हम जब अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बहुत ही ऑर्गेनिक प्योर खाना लेके आए हैं। हम उसके बारे में सोचते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हम लेके आ रहे हैं वो अच्छी हाई क्वालिटी की हों, जो आप इंग्रेडिएंट्स लेकर आ रहे हैं अपने घर में खाने के लिए, अगेन वो भी हम सोर्स देखते हैं कि अच्छा सोर्स हो, अगेन ऑथेंटिक सोर्स हो और क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो है आप कौन सा कुकिंग यूटेंसिल यूज़ कर रहे हैं अपने किचन में, कौन सा कुकिंग कुकवेयर यूज़ कर रहे हैं और क्या उसके बेनिफिट्स हैं या क्या आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं। आज इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज मैं यही शेयर करने आई हूँ। वैसे तो मैं जब वीडियोस में आपके साथ बनाती हूँ, कुकिंग करते हैं हम, आप लोग देखते हैं कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, उसके बारे में ही आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मेरे पास ये आप देख सकते हैं आयरन का पैन है, ये इसमें आप कुकिंग करते हैं तो बहुत बेटर रहता है, क्योंकि जिन फीमेल्स को आजकल आप देखते हैं हार्मोनल इंबैलेंस का इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है फीमेल्स में, आप देखेंगे पीसीओडी है वो, चाहे वो थायराइड हो या आपको कोई सिस्ट है, ये सब इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए। इनफैक्ट बच्चों में भी आप देखेंगे दो द चिल्ड्रन आर बिकमिंग ओबीस डे बाई डे, लेकिन इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। तो डेफिनेटली ये नहीं कहूँगी कि मैं डेली आप आयरन में ही कुकिंग करिए, बिकॉज अगेन वो बेटर नहीं रहता, उसकी भी टॉक्सिसिटी हो जाती है। बट 2 से 3 बार आप वीक में उसको यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ डिसेंट, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अच्छे मेटल्स होते हैं। आप अगर जिन फीमेल्स को एनीमिया का इशू रहता है, हीमोग्लोबिन लेवल्स बहुत कम है, तो डेफिनेटली आयरन के वेसल बहुत अच्छा रहता है कुकिंग करने के लिए। और इसमें कुकिंग आप देखते करते हैं तो हीट भी प्रॉपरली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और आप जब इसको यूज़ करते हैं जस्ट इंश्योर कि आप आयरन की कढ़ाई या पैन कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, जस्ट इंश्योर अगर आप कम क्वांटिटी बना रहे हैं तो छोटा आप लें, ताकि छोटा मतलब वेसल लें, कढ़ाई ले रहे हैं आप, पैन ले रहे हैं। और जब आप ज़्यादा बड़ा यूज़ करें, मेरे पास अलग अलग साइजेस के पैन्स हैं, जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं तो आप बड़ा यूज़ करिए, बिकॉज़ अगर आप कम क्वांटिटी बना रहे हैं और आप बहुत बड़ा ले रहे हैं वेसल, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है जब तक आपका पैन हीटअप होगा, तो अगेन दैट इज़ रॉन्ग, राइट। तो आयरन का इसमें आप जब बना रहे हैं कुकिंग कर रहे हैं ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड जस्ट इंश्योर आप एसिडिक चीज़ें इसमें कुक नहीं कर रहे हैं, जैसे आप टमेटो बेस्ड कोई ग्रेवी बना रहे हैं, करी बना रहे हैं, वो आप इसमें नहीं बना सकते हैं। आप इसमें अगर साउथ इंडियन है, आप कोकम यूज़ करते हैं, वो आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। लेमन स्क्वीज़ करना चाहते हैं, वो आप इसमें यूज़ नहीं करेंगे। लास्ट में आपने लेमन यूज़ करना है, पहले सारी कुकिंग कर लीजिए, उसको उसमें पैन में से निकाल लीजिए, या जब आपने हीट व्हेन इट इज़ ऑफ, आपने हीट पे वो एक्सपोज नहीं है पैन, तब आप उसके अंदर आप लेमन स्क्वीज आउट कर सकते हैं, बट वाइल कुकिंग आप इसमें नहीं यूज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, एंड डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। अब बात करते हैं हार्ड एनोडाइज की, ये भी आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, मैं इसमें कुकिंग करती हूँ। बिकॉज आप स्टेनलेस स्टील यूज़ कर रहे हो या आयरन यूज़ कर रहे हो, अगेन स्टेनलेस स्टील भी कई बार आप यूज़ नहीं करते हो, आपको अगेन वैरायटी होनी चाहिए। सिर्फ एक ही आपको कुकवेयर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज हर किसी के अपने प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। तो ये है हार्ड एनोडाइज्ड, जो अच्छा क्वालिटी माना जाता है, एल्यूमिनियम बेस्ड नहीं है। एल्यूमिनियम आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए अपने किचन में, क्योंकि अगर आप अगर देखते हैं प्रेशर कुकर तो आपको स्टेनलेस स्टील के बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं, तो वो आपको एल्यूमिनियम बेस्ड या तो मिलते हैं, वो बिल्कुल आपको कुकिंग नहीं करनी चाहिए। वो ऐसा मेटल है, आपको यूज़ नहीं करना चाहिए अपने कुकिंग में, बिकॉज व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू हीट तो अगेन वो आपकी बॉडी के लिए डेंजरस है, वो टॉक्सिक है। तो ये आप हार्ड एनोडाइज यूज़ करते हैं, अगेन दैट इज़ वेरी इजी टू व्हेन इट कम्स टू मेंटेनेंस ऑल्सो, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ये आयरन की, तो इसको आपको बस ये इंश्योर करना है कि हमेशा ये एकदम पैट ड्राई आप करके ही इसको स्टोर कर रहे हैं। ये गीला रहा, इफ़ इट इज़ वेट तो अगेन ये ख़राब बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो कई लोग क्या करते हैं इसके ऊपर ऑयल भी लगा देते हैं। सो उसके कंपैरिजन में, आयरन के कंपैरिजन में आप इसका स्टोरेज करते हैं तो बहुत ईजी रहता है, दैट इज़ वेरी ईजी टू मेंटेन। तो ये हार्ड एनोडाइज भी आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे अपने दाल बना रहे हैं, आप चाहे अपनी सब्जी बना रहे हैं, आप इसमें कुछ भी कुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेनलेस स्टील पे, ये आपने देखा होगा छोटे होते से ही हमारे मम्मी, मुझे याद है जब हम बचपन में थे तो मम्मी सारे कपड़े निकालती थी, कुछ कुछ पैक कर लिया, और वो लेडी आती थी और वो स्टील के बर्तन देख के जाती थी। तो हम बचपन से ही, ये मेमोरीज होती है चाइल्डहुड मेमोरीज विच आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ। तो डेफिनेटली इसके यूजेस के बारे में हम बात करते हैं कि इससे स्टील से हमें क्या फ़ायदा होता है। ये एक ऐसा मेटल है जो जिसमें आपको बहुत सारे आयरन, निकल, क्रोमियम, ये सब अगर आपके अंदर कुछ भी बॉडी में डेफिशिएंसीज होती हैं, क्योंकि ये कई बार खाने से कहीं पे ओवरकम नहीं हो पाती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग,
राइट इसके अंदर हीट भी प्रॉपरली इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। बस आपको ये इंश्योर करना है कि जिससे भी आप ले रहे हैं, कोई आपको देने आता है या कहीं आप, आजकल मैंने देखा है वो उतना नहीं होता है, हम जाके ही लेके आना होता है हमें, या अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, जस्ट इंश्योर यू आर बाइंग इट फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज, ताकि क्वालिटी इसका बेटर हो। क्योंकि अगर क्वालिटी सही नहीं है, डिग्रेड हो गया, तो अगेन फिर वो आपकी हेल्थ के लिए बेटर नहीं है। तो जस्ट इंश्योर आपको इसका क्वालिटी का ध्यान रखना है व्हेन यू आर बाइंग इट, चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हैं, चाहे आप जाके ले रहे हैं, आपको कोई देने आता है तो वो आपको इंश्योर करना है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, इट्स हाई क्वालिटी। देन बात करेंगे ग्लास की। ग्लास अगेन हम यूज़ करते हैं, इसमें कुकिंग के लिए कोई यूज़ नहीं करते हैं हम, बट आपको कुछ स्टोरेज करना है, कुछ लेफ्ट ओवर है आपको अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है, तो आप ग्लास के यूटेंसिल में इसको स्टोर कर सकते हैं, या फिर माइक्रोवेव में। आई वोंट सजेस्ट, मैं आई नेवर सजेस्ट कि आप कुकिंग बहुत ज़्यादा करें, लेकिन कुछ आपको रीहीट करना है तो अगेन वो ग्लास के आप इस तरह के यूटेंसिल्स कंटेनर्स लेते हैं और उसमें आप रीहीट करते हैं माइक्रोवेव में। यू शुड नेवर यूज़ प्लास्टिक। तो ये हो गए कुछ ऐसे यूटेंसिल्स की बात, ऐसे कुकवेयर मीडियम्स की बात जिसमें हम कुकिंग या स्टोरेज कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे वेसल्स की बात करते हैं, ऐसे कुकिंग मीडियम्स की बात कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जैसे मैंने अभी डिस्कस आपके साथ किया भी था कि आपको एल्यूमिनियम बिल्कुल अपनी किचन में यूज़ नहीं करना चाहिए, अगर आपके पास है तो इट्स हाई टाइम आप उसको डिस्कार्ड करें। क्योंकि अगेन अगर आप देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं तो वो लीच आउट होता है व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू हेयर एयर वेन इट इज काट दो एल्यूमिनियम की वो लेयर की जब लीच आउट होता है वो वेन इट इज एक्सपोज टू हीट, तो वो आप देखते हैं कि आपकी गट के लिए भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट देखा जाता है कि अगर प्रोलॉन्ग यूजेज होता जा रहा है एल्यूमिनियम का, आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं मेमोरी को भी, मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। बट लाइक आई टोल्ड यू, आप कुकवेयर में अगर कुकर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एल्यूमिनियम नहीं ले रहे हैं और आप अगर आप ये ले रहे हैं हार्ड एनोडाइज, जैसे मैंने आपको दिखाया था हार्ड एनोडाइज, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये आप ले सकते हैं। क्योंकि उसके ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर हार्ड एनोडाइज उसको एक कोटिंग की जाती है, सो दैट इज़ सेफ। लेकिन जब आपका हार्ड एनोडाइज का आपको लगता है आपने काफ़ी टाइम उसको यूज़ कर लिया है और अब उसकी कोटिंग उतर रही है, तो अगेन नेक्स्ट लेयर उसकी एल्यूमिनियम की होती है, तो अब तभी की तभी आपको उसको डिस्कार्ड करना है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। देन बात करते हैं नॉन स्टिक की। अगेन कई बार हमें लगता है कि ये बहुत बेटर है क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें कम ऑयल का खाना बनाना है, बट इफ़ यू चेकआउट मेरी रेसिपीज़, मैं अपनी वीडियोस में बनाती हूँ, तो आपका अच्छा कुकिंग यूटेंसिल्स हो, चाहे आप स्टील यूज़ कर रहे हो, चाहे आप हार्ड एनोडाइज कर रहे हो यूज़, आपको बहुत ज़्यादा ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं होती और वो खाना बहुत अच्छा बनता है। तो आपको बिल्कुल भी ये सोचने की नीड नहीं है कि आपको अगर ज़ीरो ऑयल, लेस ऑयल खाना बनाना है तो आपको फिर तो नॉनस्टिक यूज़ करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगेन उसके अंदर टेफ्लॉन कोटिंग होती है और टेफ्लॉन कोटिंग भी अगेन जब उतरती है आपके, जैसे ही आप वो हीट से एक्सपोज होती है, बिकॉज इंडियन कुकिंग जो होती है यूजुअली हाई टेम्परेचर पर ही होती है, कम टेम्परेचर पर नहीं होती। सो अगर वो 300 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर जाता है जैसे ही, तो अगेन उसकी कोटिंग निकलने लग जाती है, जो टेफ्लॉन कोटिंग आ जाती है, एंड दैट इज़ कार्सिनोजेनिक ऑल्सो, विच मीन्स दैट इज़ कैंसर कॉजिंग। तो अगेन कैंसर का प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, वी ऑल नो, वो भी हो सकता है, नहीं तो अगर वो नहीं तो, और अगर बात करूँ तो मैं किडनी रिलेटेड इश्यूज़ भी हो जाते हैं, लंग रिलेटेड इश्यूज़ भी हो जाते हैं, इंटेस्टाइन रिलेटेड इश्यूज़ भी हो जाते हैं, तो अगेन उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। देन बात करते हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक अगेन टाइम एंड अगेन आई हैव ऑलवेज सेड, अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको टोटली आपको अवॉइड करना चाहिए, प्लास्टिक इज़ नॉट सेफ फॉर अस। अगेन वो भी आपको प्लास्टिक भी अवॉइड करना चाहिए। और अगर एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं तो अगर आप लोग एल्यूमिनियम फॉइल्स यूज़ कर रहे हैं अपने बच्चों के टिफिन में, तो वो सब भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इस तरह के सी मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको यूज़ करना चाहिए, पेपर है, तो अगेन दैट्स नॉट हार्मफुल। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ कर रहे हो अननोइंगली, तो अगेन वो भी आप अवॉइड करिए। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, और इस चीज़ पे भी आप ध्यान देंगे कि कौन से आप कुकवेयर यूज़ कर रहे हैं और कौन सी चीज़ें आपको डिस्कार्ड करनी चाहिए, तो डेफिनेटली यू विल सी वास्ट इंप्रूवमेंट इन योर हेल्थ। बाय।